सारे साथियों को जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम और लाल सलाम। आज बहुत जल्दी से एक कॉल दिया गया है और इस कॉल का इम्पोर्टेंस इस टाइम पे खड़े होके हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कुछ दो दिन पहले वीडियोस पूरे सबके सामने हम सबके सामने आता है, जहाँ पे क्लियरली ये दिखता है कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से बर्बरता के साथ जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कैंपस के अंदर घुस के, उनके लाइब्रेरी के अंदर घुस के उनके ऊपर लाठी बरसाते हैं, उनको मारते हैं। जामिया के स्टूडेंट जब हाथ जोड़ करके वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश किया जा रहा था, वहाँ पे जामिया के स्टूडेंट्स एक दूसरे को सेफ गार्ड करके निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब ये पुलिस जानते हुए कि वो जामिया के स्टूडेंट्स से कहीं ना कहीं इशारों के साथ वहाँ पे पूरा समझ में आ रहा है, पूरा वीडियो देख के कि किस तरीके से टारगेटिंग करके जामिया के स्टूडेंट्स के ऊपर पूरा लाठी चार्ज अंदर अंदर किया जा रहा है। और बाकी जो खबर है 15 दिसंबर से हमारे सबके सामने है, जो जामिया के स्टूडेंट्स खुद ब खुद टेस्टिमनीज दिए हैं, जामिया के स्टूडेंट्स जो बोथ कैंपस में थे और उसी इलाके में थे कि कैसे टीयर गैस छोड़ा गया था। और आज ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, जामिया के साथ ये बार बार हो रहा है। जामिया जब पार्लियामेंट मार्च के लिए स्टूडेंट्स निकलते हैं तो वहाँ पे एक लड़का आ जाता है पिस्तौल हाथ में लेके, दिल्ली पुलिस पीछे खड़ा हुआ देखता रहता है और वो लड़का शदाब के हाथ में गोली मार के वहाँ से निकल जाता है और दिल्ली पुलिस उसे आराम से वहाँ से निकलने में हेल्प करता है। तो आज ये क्लियरली हमारे सामने दिख रहा है कि दिल्ली जो पुलिस है, जो जनरली पुलिस को जाना जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो अपना जो रोल है किस तरीके से निभा रहा है, उसने जो वायलेंस किया है जो क्राइम के बराबर है उसको किस तरीके से ढकने के लिए आज वो क्या कर रहा है कि शर्जील इमाम जो हमारे ही कैंपस के स्टूडेंट है उसको उसके साथ लिंक करने की पूरी कोशिश और षड्यंत्र रच रहा है। और आज इसीलिए जेएनयू एज अ कम्युनिटी हमें एक साथ आके दिल्ली पुलिस का ये जो रोल है कि अपने दोष को छिपाने के लिए वो बार बार जो कोशिश कर रहा है कि जो डिसेंटिंग वॉइसेज है उसको टारगेट करने के लिए, उसके नाम पे ये कहीं पे ब्लेम गेम को शिफ्ट कर देने के लिए, इसको एकदम हम लोग एक्सपोज करें और दिखाएं कि दिल्ली पुलिस का ये जो वायलेंस पे उस पे रोल कितना था। आज सिर्फ जामिया का बात तो है ही, जामिया का बात बार बार उभर के आया है, लेकिन 5 जनवरी को जेएनयू में भी दिल्ली पुलिस का रोल क्या था। 5 जनवरी में दोपहर से जब दिल्ली पुलिस के पास बार बार कॉल्स और मैसेजेस जा रहा था कि आप लोग इंटरवेन कीजिए, जब दिल्ली पुलिस को पता चल गया था कि कैंपस के अंदर गुंडे घुस के मारपीट कर रहे हैं, सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस कैंपस के अंदर था, यूनिफॉर्म में दिल्ली पुलिस मेन गेट के पास था, लेकिन उन्होंने कोई भी हेल्प देने से मना कर दिया और उन्होंने ये वे बना दिया, एक पैसेज बना दिया कि जिन्होंने कैंपस के अंदर आके गुंडागर्दी किया, साबरमती के पूरे हॉस्टल को वैंडलाइज किया, कि उनके पास इनफ टाइम बचे कि वो अंदर आए, स्टूडेंट्स को मारपीट करे और एक सेफ पैसेज मिलके वो लोग बाहर भी चला जाए। और 3 दिन पहले की स्टेटमेंट है जब दिल्ली पुलिस ये बोल रहा है कि जेएनयू वाले इंसिडेंट में हम किसी को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे। आज जामिया वाले इंसिडेंट में भी आप देखिए दिल्ली पुलिस, जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, दिल्ली पुलिस कुछ लोग ऐसे थे जो घुस गए थे, लेकिन ये बात कहीं से भी हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कि वो जिस तरीके से वायलेंस को कैंपस के अंदर अनलिश किया है, ये कहीं पे भी लिखा नहीं है रूल बुक में और दे कांट यूज दिस एज एन एग्जाम्पल और अ सेफ गार्ड उनका रोल में कि हम कुछ भी करके कैंपस के अंदर कर सकते हैं, बिकॉज लॉ परमिट्स अस टू डू सर्टेन थिंग्स, क्योंकि दिल्ली पुलिस पूरा फ्रेमवर्क में जिस तरीके से काम कर रहा है हमें क्लियरली समझ में आ रहा है किस तरीके से काम कर रहा है। होम मिनिस्टर जिस तरीके से इनके ऊपर एक एजेंडा चला रहा है उस एजेंडा को फुलफिल कर रहा है और आज पूरे देश में, आज इस देश का ऐसा हालत है और ये बोलने की जरूरत है कि 10 साल की उम्र की एक लड़की के ऊपर सिडिशन लगा दिया गया है जिसका मम्मी आज जेल में है। ये आज हमारा देश है जहाँ पे आप अगर डिसेंट और खास करके अगर मुसलमान होके आप डिसेंट को कहीं पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म में आज बोल देते हो तो आपके ऊपर यूएपी और सिडिशन इमीडिएटली लगा दिया जाता है। ये हमारी रियलिटी है आज उसका एक देश जहाँ पे आज ये सरकार जो बहुत कुछ बोल के आया था, बहुत एजेंडा लेके आया था, आज खुलेआम पे हम सबको दिख रहा है कि इसका जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो फुलफिल करने के लिए किसी भी एंड तक जा रहा है।
आज इसी देश में जिस तरीके से बजट का हाल है, लोगों का हाल है, ये एक इंटरनल एनिमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है और लगभग कर चुका है, जहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर देश में कुछ भी गलत है तो गलत का जो सोल्यूशन है तो आप सिर्फ मुसलमानों की तरफ देखिए, जो मुसलमान है उनके वजह से इस देश के अंदर जो है कियोस क्रिएट हो रहा है। और इसी नैरेटिव को एक्सपोज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आज अगर देश के लिए कुछ खतरा है तो वो आरएसएस और ये बीजेपी है। अगर देश के लिए कुछ खतरा है किसी भी धर्म के लोग नहीं है, क्योंकि आज इस देश के लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग है, वो चाह रहे हैं कि इस देश को जो तोड़ने की कोशिश आरएसएस कर रहा है, आज इस देश को धर्म के आधार पर ना तोड़ा जाए। और इसीलिए बतौर नागरिक होने के नाते और स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी के होने के नाते हमें समझना पड़ेगा कि डिसेंट डेमोक्रेसी में इनएविटेबल है, और उसी डिसेंट को खत्म करने की कोशिश एकेडमिक स्पेसेस से, यूनिवर्सिटी स्पेसेस से पूरी तरीके से कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि आरएसएस यूनिवर्सिटी की आइडिया में बिलीव नहीं करता है। बार बार हमने देखा है कि जब ये लोग पावर में आए हैं, इन्होंने हर एक यूनिवर्सिटी स्पेसेस को खत्म करने की कोशिश किया है, इन्होंने कोशिश किया है जो आर्ग्यूमेंट्स एकेडमिक आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं उसको खत्म करने की कोशिश किया है, बार बार टारगेट किया गया है। और इसीलिए आज के टाइम में खड़े होके हम लोगों को दिल्ली पुलिस का जो ये रोल है इसको एक्सपोज करने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि ये किस तरीके से आरएसएस का जो एजेंडा है इसको हर एक जगह पे फुलफिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ आज दिल्ली में नहीं, ऑब्वियसली आज एसपीजी बर्निंग इसमें है, लेकिन पूरे देश में पुलिस किस तरीके से काम कर रहा है इसको समझने की जरूरत है। यूपी में आजमगढ़ में महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, बहुत सारे जगह में स्टेट के अंदर पुलिस जिस तरीके से बर्बरता कर रहा है, कोई भी अगर एंटी सीए प्रोटेस्ट आज लीड कर रहा है, अगर जो हमारे नागरिक है वो लीड कर रहा है उनको इमीडिएटली टारगेट किया जा रहा है। मुंबई का वो केस भी हम जानते हैं जब उबर ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर ने अपना बात सीए का किया, उसको इमीडिएटली जो है कि पुलिस स्टेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स उभर के हमारे पूरे देश में इस टाइम पे आ रहा है कि कोई अगर डिसेंट कर रहा है, कोई अगर इस सरकार के खिलाफ आज बोल रहा है तो उसको इमीडिएटली देशद्रोह का तकमा देके, देशद्रोह का टैग लगा के इमीडिएटली टारगेट किया जा रहा है। तो इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगी। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संघ की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संघ की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।